हेलो फ्रेंड्स, मैं संजीव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टेक्नो लीगल सेफ्टी मैनेजमेंट स्टडी में। फ्रेंड्स, हमने लास्ट वीडियो जो बनाया था द फैक्ट्रीज एक्ट 1948 चैप्टर नंबर 4 के ऊपर, जो कि सेफ्टी पर था, उसमें हमने सेक्शन 21 से लेकर सेक्शन 27 पर चर्चा की थी। ये जो वीडियो मैंने बनाई है ये है सेक्शन 28 से लेकर सेक्शन 36A तक, जो टोटल 10 सेक्शंस कवर कर रहा है। नेक्स्ट वीडियो इस पर मैं और बनाऊंगा, जो टोटल बैलेंस जो सेक्शन 7 है, 7 सेक्शन को कवर करेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सेक्शन 28 से लेकर 36A तक क्या क्या प्रावधान दिए गए हैं चैप्टर नंबर 4 सेफ्टी में, द फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में। दोस्तों, हमें पता है टोटल सेफ्टी के जो चैप्टर है, चैप्टर 4, इसमें टोटल 24 सेक्शंस कवर हो रहे हैं। अभी टोटल 17 सेक्शंस हमारे कवर हो जाएंगे इस वीडियो में टोटल। तो आगे बढ़ने से पहले मैं चैप्टर नंबर 1 प्रिलिमिनरी, जिसमें सेक्शन 2 इंटरप्रिटेशन दिया हुआ है, यानी कुछ व्याख्या दी हुई है जो हमको टोटल अभी आगे बढ़ने में हमको काम में आएगा, जो डेफिनेशंस वो मैं यहाँ पर एक बार रिपीट कर देता हूँ। सेक्शन 2A में जो डेफिनेशन दी गई है एडल्ट की, ऐसा व्यक्ति जिसने अपने उम्र के 18 साल कंप्लीट कर लिए है, ऐसे व्यक्ति को हम एडल्ट कहेंगे, जो सेक्शन 2A में इसको डिफाइन किया गया है। सेक्शन 2B एडोलेसेंट, ऐसा व्यक्ति जिसने अपनी उम्र के 15 साल कंप्लीट कर लिए हैं लेकिन उसने 18 साल भी कंप्लीट नहीं किए हैं, उसको ऐसे व्यक्ति को हम एडोलेसेंट कहेंगे। सेक्शन 2C जो है वो चाइल्ड को डिफाइन करता है, ऐसा व्यक्ति जिसने अपने उम्र के 15 साल अभी कंप्लीट नहीं किए हैं। सेक्शन 2D यंग पर्सन, ऐसा व्यक्ति जो अभी ना ही चाइल्ड है और ना ही एडोलेसेंट है। ठीक है, मैंने एडोलेसेंट और चाइल्ड का डेफिनेशन बता दिया है, एडोलेसेंट और चाइल्ड। अब यंग पर्सन क्या होगा, ना तो वो चाइल्ड में आएगा ना ही वो एडोलेसेंट आएगा, मीन्स इट इज नॉट नोन, तो हम उसको बोलेंगे यंग पर्सन। अच्छा, सेक्शन 2G जो है वो पावर को डिफाइन करता है, इलेक्ट्रिकल पावर या मैकेनिकली ट्रांसमिटेड पावर। ठीक है, जो बिना किसी व्यक्ति के द्वारा, डायरेक्ट किसी व्यक्ति के द्वारा जनरेट नहीं की गई हो, ऐसे एनर्जी को हम कहेंगे पावर। तो इसमें देखिए, जनरेटेड बाय वीमेन और एनिमल एनिमल एजेंसी, ना डायरेक्ट वो एनिमल से जनरेट नहीं हुई है अगर वो पावर, तो ऐसे अगर मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट नहीं हुई है तो ऐसे पावर को मैं, ऐसे एनर्जी को मैं पावर कहूंगा। ठीक है दोस्तों, तो ये सेक्शन 2G। तो ये तीन चार जो डेफिनेशंस हैं इंटरप्रिटेशन में, ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने वापस से इसको रिपीट किया है, ये लास्ट वीडियो में भी आपको देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले हम चलते हैं सेक्शन नंबर 28 में, जो कि सेफ्टी के बारे में बताता है, हॉइस्ट एंड लिफ्ट के बारे में। तो मैंने कुछ छोटे पॉइंट्स यहाँ लिखे हुए हैं, लेकिन मैं इनको आपको इलेबोरेट करता हूँ क्या चीज़ है हॉइस्ट एंड लिफ्ट। हॉइस्ट और लिफ्ट क्या होती है, बेसिक डिफरेंस इसको हमको देखना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पर स्केच में दिखाया है, जो पिक्चर्स दिखाई है हॉइस्ट की और एक लिफ्ट की, तो हॉइस्ट जनरली क्या है, एक ये साइट कंस्ट्रक्शन साइट्स पे यूज होती है हॉइस्ट और लिफ्ट दोनों। हॉइस्ट मेनली होती है कि मटेरियल्स को लिफ्ट करने के लिए जनरली काम में आती है। लिफ्ट जो है ये पर्सन्स को एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर ले जाने का, मीन्स ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन्स, जो लिफ्ट है वो उसके लिए होती है। अच्छा, इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आगे मैं आपको बताता हूँ। तो पहले तो दिया है कि इट शुड बी ऑफ गुड कंस्ट्रक्शन स्ट्रेंथ, बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिए अगर स्ट्रेंथ अच्छा नहीं होगा, गुड कंस्ट्रक्शन नहीं होगा, तो कभी भी ये अनसेफ काम करने में हमको ये करेगी, मीन्स अनसेफ हो सकता है हमारे लिए आगे। ठीक है, तो ये हॉइस्ट लिफ्ट का कंस्ट्रक्शन और स्ट्रेंथ की बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए। प्रॉपरली मेंटेन एंड थ्रूली एग्जामिन बाय कंपेटेंट पर्सन एटलीस्ट वंस इन एवरी 6 मंथ्स, पीरियड ऑफ एवरी 6 मंथ्स। तो इसका जो मेंटेनेंस है, यानी जैसे हम काम कर रहे हैं साइट पर, कंस्ट्रक्शन साइट्स पर, तो हॉइस्ट और लिफ्ट जो है इसका फिजिकल मेंटेनेंस बोलिए, या इसका मेंटेनेंस फिजिकल चेकिंग जो है वो इसकी हर 6 महीने में होनी जरूरी है। और जो चेकिंग होगी उसका एक रजिस्टर बनेगा, जिसमें जिसको हम फॉर्म नंबर 11 कहेंगे, उस फॉर्म नंबर 11 में उसकी डिटेल्स रहनी चाहिए कि भी इस पीरियड में आने के बाद, 6 मंथ्स के बाद जो उसका इंस्पेक्शन हुआ उसमें क्या क्या चीज़ें पाई गई, तो दैट शुड कम इन फॉर्म नंबर 11। और इसका जो सेफ वर्किंग लोड है हॉइस्ट के केस में और लिफ्ट के केस में, दोनों के केस में वो उस पर मार्क होना चाहिए। ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें वो जो है वो मैं बताता हूँ आपको। इसमें जो है हॉइस्ट और लिफ्ट में एक अंदर जाने के लिए मिस गेट होना चाहिए। ठीक है, गेट होना चाहिए, और ऐसे होना चाहिए कि वो कहीं पे भी गेट ऐसा हो कि वो किसी जो व्यक्ति अंदर एंटर कर रहा है उसमें उसको वो ट्रैप ना करें।
है ना, उसमें उसको अनसेफ फील ना हो, गेट ऐसा हो कि वो जब जाए, अंदर जाए या बाहर आए, वो उसमें ट्रैप ना हो, ठीक है दोस्तों। और इसमें जो केज है हॉइस्ट का और लिफ्ट का, क्योंकि देखिए हॉइस्ट में भी क्या होता है कि जो मैन बास्केट बनाते हैं ना, जो एक होता है साइड पे आपने देखा होगा बास्केट से, जिसमें रोप वगैरह लगी होती है और विंड से वो कनेक्टेड रहता है, तो वो भी एक हॉइस्ट ही है। लेकिन अगर वो मैन बास्केट वाला हॉइस्ट है तो उसमें एक प्रॉपरली केज होना चाहिए, गेट होना चाहिए, और कुछ सेफ्टी के प्रिको सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू उसमें कुछ इंटरलॉक्स होने चाहिए, जिससे कि अंदर जो आदमी गया हुआ है उसको वो ट्रैप ना हो जाए या कहीं पर वो उसको इंजरी ना पहुंचे। इसके अलावा हॉइस्ट और लिफ्ट में जो केज है उसमें दो रोप का प्रोविजन होना चाहिए। दो रोप का प्रोविजन ऐसा होना चाहिए कि जब भी एक रोप अगर फेल हो जाता है या एक रोप काम नहीं कर रहा, तो दूसरा रोप उस केज का वेट उसने लेना चाहिए विथ मैक्सिमम वर्किंग लोड। उसका जो मैक्सिमम वर्किंग लोड रहेगा उस लोड के बराबर का वेट उस रोप ने उसको उस कैबिन का वेट, उस केज का वेट उसने लेना चाहिए। और इसमें कुछ इफिशियंट डिवाइसेस लगाने चाहिए जिससे कि जो हमारे अनसेफ कंडीशंस है वो मिनिमाइज हो, ठीक है दोस्तों। ये हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है हॉइस्ट एंड लिफ्ट के। आगे बढ़ते हैं सेक्शन नंबर 29 की तरफ। 29 सेक्शन जो है कहता है लिफ्टिंग मशीन्स, चेन्स, रोप एंड लिफ्टिंग टैकल्स। तो हमने जैसे 28 सेक्शन में देखा है हॉइस्ट एंड लिफ्ट, वैसे ही ये सेक्शन 29 कवर करता है लिफ्टिंग मशीन्स, चेन्स, रोप्स एंड लिफ्टिंग टैकल्स। तो इसमें क्या क्या हमको प्रिकॉशंस एज अ सेफ्टी ऑफिसर, एज अ सेफ्टी इंजीनियर हमको लेने चाहिए, वो इसमें हम देखते हैं। तो सबसे पहला इसमें पॉइंट लिखा गया एप्लीकेबल टू एवरी लिफ्टिंग मशीन अदर देन हॉइस्ट एंड लिफ्ट। हॉइस्ट एंड लिफ्ट अगर जहाँ आता है उसमें आपको सेक्शन 28 रेफर करना है। हॉइस्ट और लिफ्ट के अलावा अगर जो लिफ्टिंग टैकल्स है, चैन रोप्स है, लिफ्टिंग मशीन्स है, उसके लिए आपको सेक्शन नंबर 29 रेफर करना है। तो लिफ्टिंग मशीन्स और लिफ्टिंग टैकल्स क्या होती है, देखिए मैंने एक्सप्लेनेशन में एक दिया हुआ है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लिफ्टिंग मशीन्स क्या है दोस्तों, देखिए लिफ्टिंग मशीन मीन्स अ क्रेन, क्रैब, विंच, टिगल, पुली ब्लॉक, जेन व्हील, ट्रांसपोर्टर और रनवे, इन सारी चीज़ों को हम लिफ्टिंग मशीन्स कहेंगे। क्रेन हमने देखी है, विंच को भी हमने पता है ये विंच क्या होती है, तो ये सारी चीज़ें जो है ये लिफ्टिंग मशीन्स कहलाती है। लिफ्टिंग टैकल्स यानी जो लूज गियर जो होते हैं ना हम लोग, उसको बोलते हैं लिफ्टिंग टैकल्स। तो उसमें क्या क्या आएगा, चैन हो गया, स्लिंग हो गया, रोप स्लिंग, हुक्स, शैकल्स, है ना, जो क्या करता है लोड को कनेक्ट करता है लिफ्टिंग मशीन से, ऐसे चीज़ों को हम क्या कहेंगे लिफ्टिंग टैकल्स। ये आपने देखा होगा लिफ्टिंग टैकल्स, आपने आप सब अवेयर होंगे, या एज अ सेफ्टी ऑफिसर, एज अ सेफ्टी इंजीनियर, आप सभी को पता होगा लिफ्टिंग टैकल्स जो है ये हमको इंस्पेक्शन करनी पड़ती है, ठीक है। तो इसमें क्या बताया गया है, इसमें भी सेम चीज, ऑल पार्ट्स शैल बी ऑफ गुड कंस्ट्रक्शन, प्रॉपरली मेंटेन एंड थ्रूली एग्जामिन्ड बाय कॉम्पिटेंट पर्सन एटलीस्ट वंस इन एवरी पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। दोस्तों इसमें देखिए एक कंफ्यूजन ये है कि भी जो लिफ्टिंग टैकल्स है, लिफ्टिंग मशीन्स है, इसका इंस्पेक्शन जो है ये तो चलिए कॉम्पिटेंट पर्सन जो है हर साल कर रहा है, बट इसमें एक एज अ सेफ्टी इंजीनियर हमें जब भी यूज़ होता है, जब भी हम इसको यूज़ में लेकर आ रहा है, जैसे मैंने कोई हेवी हेवी कंसाइनमेंट मुझे लिफ्ट करना है, तो एक सेफ्टी इंजीनियर के नाते जो है इसका एक ये होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उसकी, कि वो हर एक लिफ्ट में, हर एक यूज़ के पहले उसका थॉरली इंस्पेक्शन करे खुद से, ठीक है। उसके बाद ही वो जब सेटिस्फाइड हो जाए कि भाई एवरीथिंग इज ओके, उसके बाद ही जो है उसको यूज़ में लिया जाए, ठीक है। तो ये एवरी 12 मंथ्स तो ठीक है, एक कॉम्पिटेंट पर्सन आएगा उसको चेक करेगा, बट एज अ सेफ्टी इंजीनियर हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि भाई एवरी लिफ्ट में जब भी इसका कहीं काम हो रहा है, एवरी लिफ्ट, या आप एक सेफ्टी मैट्रिक्स बना सकते हैं अपने साइट पर, अपने कंस्ट्रक्शन साइट पर, जिसमें आप वीकली चेकिंग इसमें इसको लेकर आ सकते हैं वीकली चेकिंग में, कि भी वीकली आप इंस्पेक्शन करें और एक एक जो इसके लिफ्टिंग टैकल्स है, क्रेन्स है, उसका एक शेड्यूल बनाए आप और उसको फिर चेक करें। इसमें भी सेम हमको फॉर्म नंबर 11 जो है मेंटेन करना पड़ता है, जो कि कंपिटेंट पर्सन इसमें थोड़ा चेक करेगा साल में एक बार, तो उसका रिकॉर्ड हमें फॉर्म नंबर 11 में रखना पड़ेगा साइट पर। तो ये कभी भी क्या है कि फैक्ट्री इंस्पेक्टर जब आएगा तब हो सकता है कि ये फॉर्म नंबर 11 आपको मांगे। तो ये सारी चीज़ें जो है एक लीगली बोलिए या फिर स्टेचुअरी रिक्वायरमेंट के तौर पे इसको हमको साइट पे अवेलेबल रखना है। आगे का जो सेक्शन है सेक्शन नंबर 30, वो कहता है रिवॉल्विंग मशीनरी के बारे में।
रिवॉल्विंग मशीनरी हमने साइट्स पे काफ़ी सा अच्छा काफ़ी जगह देखा है, जैसे कि फ्लाई व्हील हो गया, बास्केट व्हील हो गया, है ना, रिवॉल्विंग व्हील, केज, बास्केट, फ्लाई व्हील, पुली, ये सारी जो है ये रिवॉल्विंग मशीनरीज में आएगा। इसमें भी सेम वही चीज़ कही कि रिवॉल्विंग मशीनरी के लिए क्या क्या प्रावधान दिए गए हैं, क्या क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस लेने हैं, वो सारी चीज़ें इसमें दी हुई है रिवॉल्विंग मशीनरी में। सॉरी, अ नोटिस इंडिकेटिंग द मैक्सिमम सेफ वर्किंग पेरिफेरल स्पीड ऑफ एवरी मशीन शुड बी मेंशन। तो रिवॉल्विंग मशीनरी जहाँ पर भी यूज़ हो रही है साइट्स पर, उसका प्रावधान ये दिया गया है सेक्शन 30 में कि भी उसका जो मैक्सिमम सेफ वर्किंग पेरिफेरल स्पीड है वो उसमें मेंशन होनी चाहिए उस मशीन में, ठीक है। और सेकेंड सब सेक्शन जो है सेक्शन 30 का, वो कहता है कि जो स्पीड हमने इंडिकेट की है नोटिस में वो उससे ज़्यादा कभी भी बढ़नी नहीं चाहिए, ठीक है। थर्ड पॉइंट कहता है, थर्ड सब सेक्शन कहता है सेक्शन 30 का, इफेक्टिव मेजर शेल बी टेकन इन एवरी फैक्ट्री टू एंश्योर दैट द सेफ वर्किंग पेरिफेरल स्पीड ऑफ एवरी रिवॉल्विंग केज, रिवॉल्विंग वेसल, बास्केट, फ्लाई व्हील, पुली, डिस्क और सिमिलर अप्लायंसेस ड्रिवन बाय पावर इज नॉट एक्सीडेड, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये रिवॉल्विंग मशीनरीज के बारे में, इसमें तीन सब सेक्शन ही दिए हुए रिवॉल्विंग मशीनरी में फैक्ट्रीज एक्ट में, तो ये तीनों के तीनों मैंने यहाँ पर आपको दिखा दिए। सेक्शन 30 के बाद में हम चलते हैं सेक्शन 31 में। सेक्शन 31 जो है ये है प्रेशर प्लांट्स। अब प्रेशर प्लांट्स का जो डेफिनेशन यहाँ दिया गया है, इसमें दिया है कि इन एनी फैक्ट्री, एनी प्लांट और मशीनरी और एनी पार्ट देयर ऑफ इज ऑपरेटेड एट प्रेशर अबव एटमोस्फेरिक प्रेशर, इफेक्टिव मेजर शेल बी टेकन टू एंश्योर दैट द सेफ वर्किंग प्रेशर ऑफ सच प्लांट्स और मशीनरी और पार्ट्स इज नॉट एक्सीडेड। यानी प्रेशर प्लांट क्या है कि भी इसमें जहाँ पर भी आपका मशीनरीज है या कोई भी पार्ट है मशीनरी का, वो अगर एटमोस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा काम, एटमोस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा पर अगर वो काम कर रहा है तो वो प्रेशर प्लांट में आएगा, ठीक है, सेक्शन 31 के अनुसार। तो इसमें क्या है कि हमें एंश्योर करना है कि वो सेफ वर्किंग प्रेशर के से ज़्यादा एक्सीड ना करे। अगर वो एटमोस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा पे वो काम कर रहा है कोई मशीनरी या कोई प्लांट, तो उसको सेफ वर्किंग प्रेशर से ऊपर में हमको बढ़ने नहीं देना है। ये इसका फर्स्ट पॉइंट। स्टेट गवर्नमेंट कहता है कि वो खुद का एक रूल बना सकता है जिसमें वो उसमें टेस्टिंग क्या करनी है, एग्जामिनेशन क्या क्या करने हैं, वो उसमें वो रूल में वो बताएगा। तो स्टेट गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो अपना खुद का रूल एक बनाए जिसमें कि वो एग्जामिनेशन और टेस्टिंग जो प्रेशर प्लांट्स है उसके बारे में वो उसके एक नोटिस वो जारी करे, और उसी के अनुसार फिर हमको फॉलो करना पड़ेगा कि भी इसमें क्या क्या एग्जामिनेशन और टेस्टिंग करनी है हमें, ठीक है। इसमें ज़्यादा इलेबोरेटिव वे में दिया है, इसमें पॉइंट्स जो है 3 पॉइंट्स है प्रेशर प्लांट्स में। थर्ड पॉइंट है, द स्टेट गवर्नमेंट में बाय रूल्स एग्जेम्प्ट सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एज मे बी स्पेसिफाइड देयर इन एनी पार्ट ऑफ एनी प्लांट और मशीनरी रेफर टू इन सब सेक्शन 1 फ्रॉम द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन। तो जो सब सेक्शन 31 का, 31 सेक्शन का जो सबसेक्शन 3 है, ये क्या कहता है कि भाई स्टेट गवर्नमेंट किसी भी पावर प्लांट, किसी भी प्रेशर प्लांट को एग्जेम्प्ट कर सकता है फ्रॉम द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन। यानी सेक्शन 1 क्या कहता था, सबसेक्शन 1 हमको कहता था कि भाई जो सेफ वर्किंग प्रेशर है वो एक्सीड नहीं होनी चाहिए, है ना। तो स्टेट गवर्नमेंट क्या कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट जो सबसेक्शन 3 में बोलता है कि वो कंडीशंस ये एग्जेप्ट कर सकता है, लेकिन उसके अलावा कुछ कंडीशंस उसने लिखी है यहाँ पर, है ना, सच कंडीशंस एज मे बी स्पेसिफाइड दे रही, यानी वो कंडीशंस कुछ बताएगा, उस कंडीशंस को अगर फुलफिल करता है वो प्रेशर प्लांट, तब वो इस सेफ वर्किंग प्रेशर को एक्सीड नहीं करना है करके जो उसने फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है उसको वो एग्जेम्प्ट कर सकता है। तो वो हमको, उसके लिए हमको सेक्शन 31 के लिए हमको जाना पड़ेगा फिर उसके रूल्स पर, ठीक है दोस्तों। तो रूल्स मैंने यहाँ कवर नहीं किया है। अब सेक्शन 32 जो है, फ्लोर्स, स्टेयर्स एंड मीन्स ऑफ एक्सेस। तो हमने साइट पर देखा है फ्लोर्स, ये बहुत इम्पोर्टेंट, क्या बोलेंगे इसको, एक इम्पोर्टेंट क्लॉज है इसमें 32 और 33। सेक्शन 32 और 33 जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से, जो हम सेफ्टी इंजीनियर्स से, सेफ्टी से ऑफिसर्स हैं, उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट सेक्शन है 32, फ्लोर्स, स्टेयर्स एंड मीन्स ऑफ एक्सेस। सो देखिए दोस्तों, फ्लोर्स, स्टेयर्स और मीन्स ऑफ एक्सेस जो है ये हर किसी जगह पर आपको दिखेगा, कंस्ट्रक्शन का काम है, फ्लोर्स, स्टेयर्स आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो इसके लिए एक अच्छा सा प्रावधान इसमें 32 सेक्शन में दिया गया है। क्या कहा है इसने, ऑल फ्लोर्स, स्टेप्स, स्टेयर्स,
पैसेजेस एंड गैंगवेज शल बी ऑफ साउंड कंस्ट्रक्शन। देखिए साउंड कंस्ट्रक्शन हर जगह लिखा है, हॉर्स एंड लिफ्ट में हमने लिखा साउंड कंस्ट्रक्शन एंड मटेरियल कंस्ट्रक्शन, उसका अच्छा रहना चाहिए, कंस्ट्रक्शन उसका अच्छा रहना चाहिए। तो कंस्ट्रक्शन तो सबसे बड़ी चीज़ है कि कंस्ट्रक्शन का साउंड कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, कंस्ट्रक्शन का एकदम अच्छा होना चाहिए। उसके बाद लिखता है कि एंड शल बी केप्ट फ्री फ्रॉम ऑब्स्ट्रक्शन एंड सब्सटेंसेज likely to cause persons to sleep and where it is necessary to ensure safety shall be provided with substantial handrails। तो जहाँ पर भी आपको floors, steps, stairs, passages, gangways, gangways यानी आपने शिप में देखा होगा gangways यानी एक एक जस्ट प्लेटफॉर्म रहता है टू रीच टू अ हाई लेवल, एक लोअर लेवल से हाई लेवल पर पहुँचने के लिए जो स्टेयर्स लगाई जाती है, पैसेज बनाया जाता है, उसी को हम गैंगवेज बोलते हैं। ये जनरली आपने देखा होगा शिप्स वगैरह में, शिप के जो हल्स वगैरह थे उसमें आपको गैंगवेज मिल जाएगी देखने के लिए। तो इसमें क्या कहा गया है कि भी जो हैंडल्स है वो उसमें लगानी ज़रूरी है। अब हैंडल्स क्यों मांग रहा है ये सेक्शन 32 में ए में, क्योंकि हैंडल्स अगर नहीं रहेंगे तो क्या होगा, आप चांसेस ऑफ फॉलिंग फ्रॉम हाइट, किसी आदमी के ऊपर से हाइट से गिरने के चांसेस उसके बढ़ जाएंगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेक्शन 32 का। सेकेंड पॉइंट बोलता है देयर शल सो फार एज इज रीजनेबल प्रैक्टिकेबल रीजनेबली प्रैक्टिकेबल बी प्रोवाइडेड एंड मेंटेन सेफ मीन्स ऑफ एक्सेस टू एवरी प्लेस एट विच एनी पर्सन इज एट एनी टाइम रिक्वायर्ड टू वर्क। देखिए ये सेक्शन 2 भी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन, जो सब सेक्शन बी जो है सेक्शन 32 का, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम अगर किसी साइट पर जाकर कहते हैं कि भी आपने जो रास्ता दिया है वर्कर्स को आने जाने के लिए ये बिल्कुल सेफ नहीं है, तो भी उसके लिए एक प्रावधान दिया गया सेक्शन 32 में। हम अगर सेक्शन 32 के हिसाब से बात करें, क्योंकि देखिए दोस्तों क्या होता है कि हम जब एज अ सेफ्टी इंजीनियर साइट पर जाते हैं या कंस्ट्रक्शन साइट पे हम वर्क को मॉनिटर करते हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें हमें पता नहीं होती कि भाई ये किस किस प्रावधान में दिया गया है, कि कहाँ दिया हुआ है सेक्शन 32 में या किस फैक्ट्रीज एक्ट में कहाँ दिया हुआ है कि भाई मुझे क्लीनिंग करनी है या मुझे स्टेयर्स और जो फ्लोर्स है उसको हैंडल्स लगानी है। तो आपके पास एक सपोर्ट रहेगा कि भाई सेक्शन 32 में इसका प्रावधान दिया गया है कि भाई जहाँ पर भी आदमी को जाना आना पड़ रहा है साइट पर किसी काम के लिए, तो वो चीज़ें वो जो एक्सेस है उसका आने जाने का जो रास्ता है वो उसको हमें सेफ प्रोवाइड करना है ना, यही चीज़ इसमें सब सेक्शन बी में दिखाया है आपको सेक्शन 32 में। सेफ मीन्स ऑफ एक्सेस टू एवरी प्लेस एट विच एनी पर्सन इज एट एनी टाइम रिक्वायर्ड टू वर्क, किसी भी समय अगर किसी व्यक्ति को जाना है तो ऐसी जाने वाली जगह को, ऐसी जाने वाली जो एक्सेस है उसका, जो जाने का रास्ता है, वो रास्ता उसको क्लियर मिलना चाहिए, सेफ मिलना चाहिए। ये सेक्शन 32 में इसका प्रावधान है। देखिए सेक्शन 32 का जो सी पॉइंट है, सब सेक्शन सी, वो क्या कहता है, व्हेन एनी पर्सन हैज टू वर्क एट हाइट फ्रॉम वेयर ही इज लाइकली टू फॉल प्रोविजन शल बी मेड so far as is reasonably practicable by fencing or otherwise to ensure the safety of person so working। देखिए एक वर्ड यहाँ लिखा हुआ है so far as reasonably practicable, अगर reasonably practicable है तो बिल्कुल आपको वहाँ पर फेंसिंग देनी, काफ़ी समय क्या होता है कि भैया आप बताइए कैसे क्या करें, है ना, ये सब होता है साइट पर। आप देखें तो जनरली क्वेश्चन होता है कि भाई आप ही सजेस्ट करिए इसमें कहाँ से मैं फेंसिंग लगाऊँ, कैसे करूँ, तो ये चीज़ कहा गया है कि रिजनेबली प्रैक्टिकेबल है अगर, तो वहाँ पर फेंसिंग आपको देनी है। अगर नहीं पॉसिबल है तो फिर कोई दूसरा तरीका उसको निकाला जाए कि भाई वो आदमी जो है अनसेफ वहाँ पर काम ना करे। अगर दोनों तरीके नहीं तो उसमें फिर आखिरी बचता है, एक आखिरी रास्ता बचता है कि उस काम को बिल्कुल रोक दिया जाए, है ना, क्योंकि किसी भी आदमी का जान को खतरे पर डालकर काम नहीं किया जा सकता। तो ऐसे केस में क्या होगा, अगर रिजनेबली प्रैक्टिकेबल है तो बिल्कुल उसको फेंसिंग लगानी है, उसको सेफ्टी ऑफ पर्सन को एंश्योर करना है, सो दैट वर्क एट हाइट अगर वो काम कर रहा है, अगर हाइट पे काम कर रहा है तो किसी भी तरह से उसके जान को नुकसान न पहुंचे, ठीक है। ये हमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो एंश्योर करनी पड़ती है साइट। ये सेक्शन 32 हो गया। सेक्शन 33 जो मैंने बताया आपको, सेक्शन 32-33 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। तो 33 जो कहता है ये है पीट्स सम्स ओपनिंग्स इन फ्लोर्स। तो हमने देखा है साइट्स पर काफ़ी ज़्यादा काम चलता है, बार बार हम देखेंगे कि भाई कहीं पे ओपनिंग पड़ी हुई है फ्लोर पे, ना उसको हार्ड बैरिकेशन किया गया है ना, बार बार हमको बोलना पड़ता है कि भाई इसको बैरिकेड करो, लेकिन कोई हमारी सुनता नहीं है। तो उस केस में क्या है,
कि भी हमको जो इंजीनियर से उनको बताना पड़ेगा कि भी ये चीज़ें जो है ये खतरे की चीज़ें हैं, इसमें कभी भी आप लोगों को जो काम कर रहे हैं टीम आपकी उसको नुकसान है, उसके जान को नुकसान है, तो हमें उनको बताना पड़ेगा कि इसका एक लीगल प्रावधान भी है, इसका प्रावधान दिया गया है सेक्शन 33 में, जिसमें कि हमको ये सबको टेक केयर करना पड़ेगा कि भी जितनी भी पीट्स है, सम्स है, ओपनिंग्स है फ्लोर की, उसको सुरक्षित तरीके से रखा जाए। तो इसमें पहला पॉइंट क्या कहता है सेक्शन 33 का, एवरी फिक्स्ड वेसल सम टैंक पीट और ओपनिंग इन ग्राउंड और इन फ्लोर, है ना, ग्राउंड पे है या फिर किसी फ्लोर पे है, विच बाय रीजंस ऑफ इट्स डेप्थ सिचुएशन कंस्ट्रक्शन और कंटेंट्स इज और मे बी अ सोर्स ऑफ डेंजर शैल बी आइदर सिक्योरली कवर्ड और सिक्योरली फेंस्ड, है ना। तो इसमें क्लियरली देखिए मेंशन किया गया है कि भी कहीं पर भी आपके किसी वेसल में बोलिए फिक्स्ड वेसल है, सम्प है, कोई टैंक है, कोई पीट है जिसमें कि, या फिर कोई ओपनिंग इन द फ्लोर है या फिर ग्राउंड पे है जो लगता है कि भी इसकी डेप्थ की वजह से या इसका जो सिचुएशन दिया गया उसकी वजह से या इसके कंस्ट्रक्शन की वजह से या इसके अंदर जो कंटेंट्स है उसकी वजह से वो एक डेंजर का सोर्स है, जिससे कि बहुत ज़्यादा खतरा है वहाँ पर, जिस जो व्यक्ति वहाँ काम कर रहा है उसको खतरा है, तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, उसको सिक्योरली कवर्ड कर देंगे या उसको फेंस कर देंगे, है ना, जैसे हम बैरिकेशन करते हैं ना, वही सेम चीज़ यहाँ बताई गई है। तो उसको या तो उसको फेंस कर दीजिए या फिर उसको कवर कर दीजिए अच्छे से, ताकि वहाँ पर जो आदमी काम कर रहा है या आने जाने वाले रास्ते में अगर कोई वहाँ आ रहा है तो वो आदमी वहाँ पर सेफ रहे। सबसेक्शन 2 जो दिया गया है सेक्शन 33 का, इसमें ये दिया गया कि भाई द स्टेट गवर्नमेंट मे बाय ऑर्डर इन राइटिंग, देखिए ऑर्डर इन राइटिंग यानी राइटिंग में वो एक ऑर्डर देगा जिसमें कि वो बताएगा कि भाई मैंने इन चीज़ों को एग्जेम कर दिया है, लेकिन कुछ कंडीशंस उसने लगा दी है जिसको आपको फॉलो करनी पड़ेगी, है ना। तो ऐसा ही कि वो अनसेफ उसको छोड़ दे रहा है, लेकिन अनसेफ ना छोड़ते हुए उसको क्या करेंगे कि इफ़ इट इज़ नॉट पॉसिबल कि भाई वहाँ पर कुछ काम आप सिक्योरली मिस कुछ फेंसिंग वगैरह नहीं कर पा रहे हो आप, तो कुछ अलग कंडीशंस वो आपको वहाँ पर लागू कराने के लिए देगा, और उस केस में वो एग्जेप्शन देगा कि भाई आप ठीक है इसको कवर मत कराइए, बट वहाँ पर कम लोगों को आप काम कराइए, कुछ कंडीशंस वो देते हैं जिससे कि अनसेफ ना रहे वो काम, ठीक है दोस्तों। तो ये सेक्शन 33 हो गया, पीट सम्स ओपनिंग्स इन फ्लोर्स। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 34। सेक्शन 34 जो है ये एक्सेसिव वेट का प्रावधान लेकर आ रहा है सेक्शन 34 अपना चैप्टर नंबर 4 सेफ्टी में। तो ये क्या कहता है कि नो पर्सन शैल बी रिक्वायर्ड टू लिफ्ट एनी लोड लाइकली टू कॉज हिम इंजरी। सेक्शन 34 जो है ये कहता है कि एक्सेसिव वेट उठाने की उसको ज़रूरत नहीं है, है ना, जिससे कि उस व्यक्ति को कुछ इंजरी हो जाए। काफ़ी सारी इंजरी होती है, अगर हम इसमें इसका जिक्र है इंजरीज का, जो हर्निया वगैरह होता है ये एक्सेसिव वेट उठाने से होता है, और ये लीगली एक्सीडेंट्स या इंजरी में कवर होता है। हर्निया का जो केस होगा आपने देखा होगा, हर्निया एक्सेसिव वेट उठाने से हर्निया हो जाता है लोगों को। तो ये जो है 34 सेक्शन में दिया गया है कि भाई एक्सेसिव वेट उसको उठाने के लिए उठाना नहीं है जिससे कि उसको इंजरी हो जाए। तो नो पर्सन शैल बी रिक्वायर्ड टू लिफ्ट एनी लोड लाइकली टू कॉज हिम इंजरी, है ना। सेकेंड सबसेक्शन जो कहता है सेक्शन 34 का, द स्टेट गवर्नमेंट में मेक रूल्स प्रिस्क्राइबिंग द मैक्सिमम वेट्स, है ना। स्टेट गवर्नमेंट अपने खुद का एक रूल बना सकता है जिससे कि यानी रूल में मेक रूल जिससे कि वो बताएगा कि भी मैक्सिमम लोड आपको कितना उठाना है। ये मैनुअल हैंडलिंग की बात चल रही है यहाँ पर। तो एक एग्जांपल ये मैंने दिया है रूल नंबर 66 में दिया है, MFR यानी महाराष्ट्र फैक्ट्रीज रूल 1963 में। रूल 66 अगर हम रेफर करेंगे तो उसमें एक शेड्यूल दिया गया है जिसमें कि एक लिमिट दिखाई गई है कि मैक्सिमम वेट कितना उठाना है मैन्युअली। तो एडल्ट मेल के लिए 55 केजी जो है ये मैक्सिमम वेट है जो उसको लिफ्ट कर सकता है। अब मैक्सिमम वेट जो है ये पूरा 8 घंटे के लिए उठा के नहीं रखना है दोस्तों इसमें। तो इसमें भी कुछ प्रावधान दिए गए हैं कि भी मैक्सिमम वेट अगर वो काम कर रहा है, फ्रिक्वेंसी अगर उसकी कम है, तो वो 55 मैक्सिमम वेट वो मेल उठा सकता है ड्यूरिंग हिज वर्किंग टाइम। कभी भी वो अपने जब काम कर रहा है तो मैक्सिमम वेट अगर उठाने की बात आई तो उसको 55 केजी तक उठा के उसको मैन्युअल लेके जा सकता है वो। एडल्ट फीमेल की बात करें तो 30 केजी उसका लिमिट दिया गया है। एडोलेसेंट मेल और एडोलेसेंट फीमेल इसका दिया गया है 30 केजी और 20 केजी। मेल चाइल्ड और
फीमेल चाइल्ड का दिया गया है 16 kg। इसमें देखिए यंग पर्सन नहीं है, यंग पर्सन अलाउड ही नहीं है इसमें, ठीक है ना। तो एडल्ट मेल का दिया है, एडोलेसेंट का दिया है और चाइल्ड का दिया है। तो 55 इज द मैक्सिमम वेट दैट एडल्ट मेल कैन लिफ्ट। एडल्ट फीमेल जो है 30 kg ही वेट, जो मैक्सिमम वेट है वो उठाएगा उठाएगी। और उसके बाद में मेल और फीमेल चाइल्ड जो है वो 16 kg और 14 kg उठाएगा। तो ये हमारा सेक्शन 34 एक्सेसिव वेट को बताता है। तो एक्सेसिव वेट के बारे में भी दिया गया है, प्रावधान है सेक्शन 34 में, जो हम अपने साइट्स पर, वर्किंग साइट्स पे इसको लागू कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं इसको, और अपने साइट की कंडीशंस को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सेक्शन 35 जो है प्रोटेक्शन ऑफ आय, प्रोटेक्शन ऑफ आय हमने काफ़ी समय देखा है कि भाई कहीं वेल्डिंग चल रहा है वो सेफ्टी गॉगल्स नहीं लगाएगा, है ना। कहीं पे ग्राइंडिंग हो रही है तो स्प्लैटर्स आ रहा है, बट वो बिल्कुल वर्कर जो है एकदम दबंग वे में काम करता है कि भाई नहीं मुझे कुछ नहीं होगा। तो इन सारी चीज़ों को क्या हमें प्यार से समझाना है वर्कर्स को कि भाई देखिए इसमें आपकी आंखों को खतरा है और आपको जो है पीपीज पहनने हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए इसमें क्या होता है, इंजीनियरिंग जो हमारी कंस्ट्रक्शन साइट्स है इसमें हम कुछ चीज़ें जो है एज पर हायरार्की ऑफ कंट्रोल हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। देखिए एलिमिनेशन नहीं हो सकता है, उसका कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है। तो एक इंजीनियरिंग कंट्रोल आता है, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल आता है, जो ना के बराबर उसमें पॉसिबिलिटीज होती है। तो क्या होता है कि जो लास्ट डिफेंस है कंट्रोल, हायरार्की ऑफ कंट्रोल के हिसाब से, वो है पीपीज। तो हमें पीपीज उसको प्रोवाइड करनी है। पीपीज प्रोवाइड करने के बाद उसको, उस व्यक्ति को हमको ट्रेनिंग देनी है कि भाई आपको पीपीज कैसे पहननी है, उसका फायदा बताना है उसको, है ना। एज अ सेफ्टी ऑफिसर ये सब हमारे काम है। तो एक प्रावधान जो दिया गया है सेक्शन 35 में प्रोटेक्शन ऑफ आय, देखते हैं क्या दिया है इसमें। इन सेक्शन, इन रिस्पेक्ट टू एनी सच मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कैरिड ऑन इन एनी फैक्ट्री एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, ये दिया है रिस्क ऑफ इंजरी टू द आय फ्रॉम पार्टिकल्स और फ्रेगमेंट्स थ्रोन ऑफ इन द कोर्स ऑफ द प्रोसेस। बी दिया है रिस्क ऑफ द आय, रिस्क टू द आइज बाय रीजन ऑफ एक्सपोजर टू एक्सेसिव लाइट। द स्टेट गवर्नमेंट मे बाय रूल्स require that effective screens or suitable goggles shall be provided for the protection of persons employed on or in the immediate vicinity of the process। तो ये उन्होंने ये कहा है कि भी जहाँ पर भी ऐसा रिस्क है जिसमें कि आय को खतरा है, आपकी आंखों को खतरा है, जिससे कि पार्टिकल्स या फ्रेगमेंट्स उसमें आ सकते हैं, तो उस केस में आपको प्रोटेक्शन ऑफ आय यानी आय को आपको प्रोटेक्ट करना होगा, और उसके लिए आपको जो सुटेबल स्क्रीन्स है, सुटेबल गॉगल्स है, वो प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो ये एक बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयर है, एक एम्प्लॉयर की बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने जो एम्प्लॉयज़ है, जो वर्कर्स है, उनको ये पीपीज प्रोवाइड करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, सेक्शन 35 है ना, सेक्शन 35 बहुत इंपॉर्टेंट है आपको के लिए, प्रोटेक्शन ऑफ आय। तो इसमें हमको इंश्योर कराना पड़ेगा कि भाई जो वर्कर्स काम कर रहे हैं वो बिना पीपीज के, बिना सेफ्टी गॉगल्स के काम ना करें, ताकि उनको आंखों को, उनके आंखों को नुकसान ना पहुंचे, ठीक है सर। दोस्तों सेक्शन 36 जो है प्रोटेक्शन अगेंस्ट डेंजरस फ्यूम्स, अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट। देखिए टोटल चैप्टर 4 जो है हमारा सेफ्टी के लिए है। चैप्टर नंबर जो हमने देखा था 3 वो हेल्थ के ऊपर था। तो सेक्शन 4 है इसे हेल्थ के लिए, सॉरी सेफ्टी का। तो इसमें जो है टोटल सेफ्टी के बारे में जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं साइट्स पर, कंस्ट्रक्शन साइट्स पर, वर्क साइट्स पे, ये हमको देखने को मिलती है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें दी गई हैं। तो सेक्शन 36 जो है प्रोटेक्शन अगेंस्ट डेंजरस फ्यूम्स, अब डेंजरस फ्यूम्स कहाँ पर आएगी, जहाँ पर हम कन्फाइंड स्पेस के बारे में हमको पता है। कन्फाइंड स्पेस क्या होती है कि जहाँ पर गैस, फ्यूम्स, वेपर्स प्रेजेंट होने के चांसेस होते हैं, और एक डिफिशेंसी ऑफ ऑक्सीजन जहाँ पर दिखाई देता है, यानी जहाँ पर हम कंटिन्यूस काम नहीं कर सकते, ऐसी जगह को हम कन्फाइंड स्पेस कहेंगे, और जहाँ पर जाने का रास्ता और आने का रास्ता सेम हो, है ना। इग्रेस और इंग्रेस विल बी सेम, और आप कंटिन्यूस वहाँ पर काम नहीं कर सकते, ऐसी जगह को हम कहेंगे कन्फाइंड स्पेस। तो इसमें प्रोटेक्शन अगेंस्ट डेंजरस फ्यूम्स, तो वहाँ पर जो डेंजरस फ्यूम्स है उससे हमको प्रोटेक्शन कैसे करना है, तो ये सेक्शन 36 हमको बताएगा क्या क्या प्रावधान, क्या क्या आपको वहाँ पर प्रोविजन या क्या सेफ्टी मेजर्स आपको लेने हैं। नो पर्सन शैल एंटर एनी चैम्बर, टैंक, वैट, पीट, पाइप, फ्लू और अदर कन्फाइंड स्पेस इन विच एनी गैस, फ्यूम, वेपर और डस्ट इज लाइकली टू बी प्रेजेंट, सो एज टू इन्वॉल्व रिस्क टू पर्सन बींग ओवरकम देयर बाय, अनलेस इट इज प्रोवाइडेड विथ अ
मैन होल ऑफ एडिक्वेट साइज और अदर इफेक्टिव मीन्स ऑफ इग्रेस। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इसमें एकदम क्लियरली लिखा गया है कि भी ऐसी जगह जैसे कि टैंक हो गया, पीट हो गया, कन्फाइंड स्पेस हो गई, जहाँ पर आपको लगता है कि भी यहाँ पर वेपर या डस्ट होने के चांसेस है और जिससे कि रिस्क आपकी बढ़ रही है वहाँ पर आदमी को भेजने की, तो ऐसे केस में क्या करेंगे कि हम उसको उसको कम करने के लिए, यानी ऐसे ये चीज़ देखेंगे कि भी उसमें अंदर जाने के लिए आपको एडोकेट साइज ऑफ मैन होल वहाँ पर है या नहीं, या फिर हम उसको बाहर आने के लिए उसको रास्ता बराबर है या नहीं। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये गया है, ऐसा है नहीं कि एक ही पॉइंट पे हमको काम करना है। तो पहला पॉइंट इसने ये दिया गया कि भाई आपको वो उसको कम करना है ना, टू पर्सन बी ओवरकम देयर बाय अनलेस इट इज फ्रेंड्स सेक्शन 36 जो कहता है वो कहता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट डेंजरस फ्यूम्स। तो डेंजरस फ्यूम्स कहाँ पर होगी? डेंजरस फ्यूम्स जहाँ पर भी है, जैसे कि कोई कन्फाइंड स्पेस है, कोई टैंक है ना, जहाँ पर भी ऐसी डेंजरस फ्यूम्स का आपको प्रेजेंस पता चलता है, तो उस केस में हमको क्या क्या सेफ्टी मेजर्स लेने हैं, ये सेक्शन 36 हमको एक प्रावधान लेकर आया है, वो हमको सेफ्टी मेजर्स क्या क्या लेने उसके बारे में जानकारी देगा। तो सबसेक्शन 1 जो है सेक्शन 36 का ये क्या कहता है, नो पर्सन शल एंटर एनी चैम्बर, टैंक, वैट, पीट, पाइप, फ्लू और अदर कन्फाइंड स्पेस इन विच एनी गैस, फ्यूम, वेपर और डस्ट इज लाइकली टू बी प्रेजेंट सो एज टू इन्वॉल्व रिस्क टू पर्सन्स बीइंग ओवरकम देयर बाय अनलेस इट इज प्रोवाइडेड विद अ मैन होल ऑफ एडिक्वेट साइज और अदर इफेक्टिव मीन्स ऑफ इग्रेस। तो सबसे पहले कहा गया है कि भाई जो भी पीट्स है, टैंक्स है, पाइप है, जहाँ कन्फाइंड स्पेस है, जहाँ पर आपको लगता है कि भी वहाँ पर कुछ गैस, फ्यूम्स या वेपर या डस्ट का रहने का पॉसिबिलिटी है, तो वहाँ तो आदमी को किसी को भेजना ही नहीं है, वहाँ अंदर आदमी को जाएगा नहीं। प्रोवाइडेड अगर है, अगर जाना है तो उसमें ये देखना है कि उसी जो अंदर जाने का जो मैन होल है वो उसका साइज एडुकेट है या नहीं, यानी प्रॉपर है या नहीं। ये आपको जो एडुकेट साइज जो बता रहा है ये आपको उसके लिए रूल फॉलो करना, रूल देखना पड़ेगा। इसमें मैंने शायद रूल कवर नहीं किया है, तो रूल के लिए मैं अगर आपको चाहिए तो मैं अलग से इसका एक इन्फॉर्मेशन अलग से दे दूंगा रूल के लिए कि भी प्रोटेक्शन अगेंस्ट डेंजरस फ्यूम्स में कौन से रूल एप्लीकेबल है, महाराष्ट्र फैक्ट्रीज रूल के हिसाब से वो हम इसमें बता देंगे आपको। इट इज़ प्रोवाइडेड विथ मैन होल ऑफ एडिक्वेट साइज और अदर इफेक्टिव मीन्स ऑफ इंग्रेस, है ना, या फिर अंदर जाने के लिए एडिक्वेट रास्ता हो, या फिर बाहर निकलने के लिए उसके प्रॉपर वहाँ पर रास्ता होना चाहिए उसको निकलने के लिए। सेकेंड पॉइंट कहता है कि नो पर्सन शल बी अलाउड अंटिल ऑल प्रैक्टिकेबल मेजर शल बी टेकन टू रिमूव एनी गैस, फ्यूम, वेपर और डस्ट सो एज टू ब्रिंग इट्स लेवल विद इन द परमिसिबल लिमिट्स। अब देखिए दोस्तों एक दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, पहला तो उसने बोला कि भी जो भी कन्फाइंड स्पेस है वहाँ पर कोई भी व्यक्ति अंदर जाएगा नहीं जब तक कि हमें लग रहा है कि भी वहाँ पर जो गैसेस है, फ्यूम्स है, वो वहाँ पर प्रेजेंट है और वो खतरे से खाली नहीं है। अगर वो जो फ्यूम्स वगैरह है वो एक खतरा कर सकती है, खतरा हो सकता है उस व्यक्ति को जो अंदर जाएगा, तो उस केस में उस आदमी को अंदर नहीं भेजना है। लेकिन प्रोवाइडेड उसने क्या बोला था कि भाई अगर वो मैनुअल का साइज थोड़ा बड़ा है, एडोकेट साइज है, जो हमको रूल रेफर करना पड़ेगा जिसमें क्या साइज दिया है उसका, है ना, तो वो उसके बाद में वो बोलता है कि ठीक है वो देखना होगा आपको, तब अंदर आदमी जा सकता है। ठीक है, दूसरा कहता है कि भाई नो पर्सन शेल बी अलाउड अंटिल ऑल प्रैक्टिकल मेजर शेल बी टेकन, यानी अपने जो अगर फ्यूम्स है, गैस है, अंदर में डस्ट है, उसको आपको रिमूव करना है वहाँ से, है ना। रिमूव करने के बाद कुछ प्रैक्टिकल आपको उसमें एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, प्रैक्टिकली उसको रिमूव करना पड़ेगा, है ना, और उसका जो परमिसेबल लिमिट्स है, परमिसेबल लिमिट जो है वो चेक करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि भाई वहाँ पर डिटेक्टर से हमको चेक करना पड़ेगा, और वहाँ पर भी जो डिटेक्टर जो है मैन्युअली हमको लेकर नहीं जाना है, वो भी हमको कुछ मैकेनिकली चेक करना पड़ेगा तीनों लेवल में, है ना, टॉप, मिडल और बॉटम, इन तीनों लेवल में हमको चेक करना पड़ेगा, एंश्योर होना पड़ेगा कि भाई जो फ्यूम्स है वहाँ पर, है ना, कोई गैसेस नहीं है और अब हम आदमी को अंदर भेज सकते हैं। इसमें देखिए अब आदमी अंदर जाएगा नहीं जाएगा वो तो अलग बात है, लेकिन ये दो कंडीशन अभी हमको फुलफिल करनी है। उसके बाद में जो टू का ए पॉइंट क्या कहता है, सबसेक्शन टू का क्लॉज ए क्या कहता है, अ गैस फ्री सर्टिफिकेट टू बी इशूड बाय अ कॉम्पिटेंट पर्सन। अब देखिए यहाँ पर रोल आ गया कॉम्पिटेंट पर्सन का, क्योंकि जहाँ पर भी आपको कन्फाइंड स्पेस में एंट्री लेनी है वहाँ पर कॉम्पिटेंट पर्सन को थोरोली चेकिंग करा के उसे डेंजरस गैस फ्री सर्टिफिकेट का एक सर्टिफिकेट इशू कराना है,
तब जाकर आपको अंदर एंट्री मिलेगी। ये आपको प्रावधान दिया गया सेक्शन 36 में, ठीक है। ये जनरली कहीं पर भी नहीं किया जाता है, लेकिन ये एक प्रावधान है कि भी कॉम्पिटेंट पर्सन को इस जगह को यानी कन्फाइंड स्पेस को आपको वेरीफाई कराना होगा, कन्फाइंड स्पेस को आपको विजिट करानी पड़ेगी कॉम्पिटेंट पर्सन से, उसको चेक कराना पड़ेगा। अगर वो कहता है कि भाई हाँ दिस स्पेस इज फ्री ऑफ गैसेस, डेंजरस गैसेस, और वो एक सर्टिफिकेट इशू करता है, उस सर्टिफिकेट इशू करने के बाद में फिर आपको वहाँ पर उस व्यक्ति को काम कराने की परमिशन दी जानी चाहिए। अब इसका क्लॉज भी क्या कहता है सब सेक्शन 2 का, सेक्शन 36 में, अ पर्सन इज वेयरिंग सुटेबल ब्रीदिंग एपरेटस एंड अ बेल्ट सिक्योरली अटैच्ड टू अ रोप एंड फ्री एंड ऑफ रोप इज हेल्ड बाय अ पर्सन आउटसाइड द कन्फाइंड स्पेस। अब देखिए इसमें क्या तैयारी करनी है, और एक और तैयारी करनी है कि भी ये तो सब हो गया, हमने उसका देख लिया कि भी मैनहोल का साइज एडिक्वेट है, आने जाने का रास्ता प्रॉपर उसमें दिख रहा है, उसके बाद हमने प्रैक्टिकल मेजर्स ले लिए, उसके जो अंदर के डस्ट थे, फ्यूम्स थे, वेपर्स थे, वो सारे हटा दिए, वो भी चेक कर लिए कि वो परमिसेबल लिमिट में है। उसके बाद में हमने कॉम्पिटेंट पर्सन को भी चेक करा दिया, उसने भी इंश्योर करा दिया कि सर्टिफिकेट दे दिया कि अंदर में जो है कोई डेंजरस गैस नहीं है, और डेंजरस गैस भी सर्टिफिकेट इशू करा दिया। उसके बाद क्या करना है, अब अंदर आदमी जब जाएगा तब क्या करना है, उसको ब्रीदिंग एपरेटस उसको वियर करके जाना है, पहन के जाना है। उसके बाद में वो बेल्ट अपने आप को बेल्ट लगाएगा जिसका कि दूसरा सिरा है ना, बेल्ट जो है वो ऐसा हो कि उसका जो रस्सी का दूसरा एंड है वो जो बाहर का है, बाहर में जो आदमी खड़ा है ना, फ्री एंड ऑफ द रोप इज हेल्ड बाय द पर्सन आउटसाइड द कन्फाइंड स्पेस, और उस व्यक्ति का जो दूसरा जो रोप का जो दूसरा पार्ट है उस व्यक्ति को वहाँ पर पकड़ के रखना है, और वो व्यक्ति हमेशा वहाँ पर बाहर अवेलेबल रहेगा, ठीक है। इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी, अगर वहाँ पर अंदर में जो आदमी काम कर रहा है उसको कहीं लगता है कि भाई अंदर में कुछ खतरा हो रहा है, तो वो रस्सी को ये करके, रस्सी को हिला के उसको इशारा देगा कि भी अंदर में खतरा है, तो वो जो व्यक्ति बाहर खड़ा है वो फिर इमीडिएट एक्शन लेगा उसको रेस्क्यू करने का, ठीक है। तो ये उसका मीन्स एक प्रैक्टिकल चीज दिखाई गई है सेक्शन 36 में, और ये काफ़ी क्लियरली इसने बताया है कि भी क्या क्या आपको प्रोटेक्शन लेनी है अगेंस्ट डेंजरस फ्यूम्स अगर आप कन्फाइंड स्पेस में काम कर रहे हो तो, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है दोस्तों 36, है ना, इसको आप बिल्कुल अच्छे से आप एप्लीकेबल कर सकते हैं जहाँ पर भी मीन्स कन्फाइंड स्पेस में अगर व्यक्ति काम कर रहा है, तो ये चीज़ें आपको नोटिस करनी चाहिए। फ्रेंड्स सेक्शन 36A जो है ये प्रावधान लिख रहा है प्रिकॉशंस रिगार्डिंग द यूज ऑफ पोर्टेबल इलेक्ट्रिक लाइट। तो इसमें जो क्लॉज ए है ये क्या कहता है, इसमें कहता है कि नो पोर्टेबल इलेक्ट्रिक लाइट और एनी अदर इलेक्ट्रिक अप्लायंस ऑफ वोल्टेज एक्सीडिंग 24 वोल्ट्स शैल बी परमिटेड फॉर यूज इनसाइड एनी चैम्बर टैंक वायर पीट पाइप फ्लू और अदर कन्फाइंड स्पेस अनलेस एडिक्वेट सेफ्टी डिवाइसेस आर प्रोवाइडेड। तो इसमें इन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि भाई जहाँ पर भी आपका कन्फाइंड स्पेस है या फिर टैंक है या फिर कोई चैम्बर है, वैट है, पीट है, ऐसे केसेस में आपको जो है इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है या इलेक्ट्रिकल लाइट है वो 24 वोल्ट से कम का ही यूज़ करना है, ठीक है। और अगर नहीं कर पा रहे तो फिर एक एडोकेट सेफ्टी डिवाइसेस उसमें होनी चाहिए अगर वो एक्सीड हो रहा है तो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया कि भी नो पोर्टेबल इलेक्ट्रिक लाइट और एनी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस जो 24 वोल्ट से ज़्यादा है वो आपको अंदर चैम्बर में या कहीं वैट में, पीट में, पाइप फ्लू में या फिर कन्फाइंड स्पेस में यूज़ नहीं करनी है। तो इसका क्या है, इसका प्रावधान देने का क्या मतलब हुआ कि भाई जो कन्फाइंड स्पेस में वो 24 वोल्ट क्यों नहीं यूज़ कर सकते, तो इसका जो सीधा सीधा एक मुझे समझ में आ रहा है कि प्रिकॉशंस है, प्रिकॉशंस अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक्यूशन हैजार्ड, जो इलेक्ट्रिक्यूशन हजार्ड है वो कम करने के लिए इसमें ये प्रावधान दिया गया है कि भी वोल्टेज जो है ये 24 वोल्ट से कम होना चाहिए जो भी आप इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस यूज कर रहे हो कन्फाइंड स्पेस में। इसका जो क्लॉज बी कहता है सेक्शन 36A का, ये कहता है इफ एनी इन्फ्लेमेबल गैस, फ्यूम और डस्ट इज लाइकली टू बी प्रेजेंट इन सच चैम्बर, टैंक, वैट, पीट, पाइप फ्लू और अदर कन्फाइंड स्पेस, नो लैंप और अदर लाइट अदर देन that of flame-proof construction shall be permitted to be used therein। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है समझने के लिए। देखिए क्या है कि जितने भी कन्फाइंड स्पेस है, कन्फाइंड स्पेस में गैसेस क्या क्या इमर्ज हो रही है अंदर से, कोई हो सकता है कि फ्लेमेबल गैसेस है अंदर में, तो फ्लेमेबल गैस में क्या होगा खतरा, अगर वहाँ स्पार्क मिल गया उसको तो वो एकदम से एक कन्फाइंड स्पेस में एक्सप्लोजन होना काफ़ी खतरे वाली बात हो जाती है, तो एक जस्ट एक एक्सप्लोड होने के चांस हो जाएंगे वहाँ पर। तो उस केस में क्या कहा गया है कि भाई एक सेफ्टी मेजर्स के तौर पे हमको ये लेना है कि भाई वहाँ पर आपको
फ्लेम प्रूफ कंस्ट्रक्शन के ही अप्लायंसेस यूज करने हैं, जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है, लैंप्स है, लाइट्स वगैरह यूज कर रहे हैं, वो आपको फ्लेम प्रूफ कंस्ट्रक्शन के ही यूज करने हैं, है ना। तो ये चीज आपको काफी ध्यान में रखनी पड़ेगी। इसमें भी काफी सारे इंडस्ट NFPA 70 वगैरह आप रेफर कर सकते हैं, इसके लिए काफी अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी उसमें। इफ एनी इनफ्लेमेबल गैसेस, फ्यूम्स और डस्ट इज लाइकली टू बी प्रेजेंट इन सच चैम्बर्स, तो हमको ऐसे कन्फाइंड स्पेस में जो है लैंप अगर जो है यूज कर रहे हैं वो सारे फ्लेम प्रूफ कंस्ट्रक्शन के ही यूज करने हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अपना 36A खत्म हो रहा है। अभी हमने जो है 28 से लेकर सेक्शन 36 कवर कर लिया है। टोटल 10 सेक्शन हमने देख लिए। अभी जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो हम 37 से लेकर 41 सेक्शन कवर करेंगे चैप्टर 4 सेफ्टी का। तो उम्मीद करता हूँ कि मैंने अभी जो समझाया आपको समझ में आया होगा। कुछ चीज़ें नहीं समझ में आई तो प्लीज़ मुझे आप कमेंट कर दीजिए। अगर आप इस चैनल में नए आए हैं तो और आप सेफ्टी के प्रोफेशन से जुड़े हैं तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो मैं वीडियोस बनाऊंगा आपके आप तक वो जल्द से जल्द पहुंच जाए। कमेंट ज़रूर कीजिए वीडियो के बारे में कि कैसे लगा, कुछ अगर इन्फॉर्मेशन है, कुछ और आपको लगता है कि इस पर इम्प्लीमेंट करना चाहिए तो वो भी मुझे सजेशन दीजिए, ताकि मैं वीडियो को अच्छे से अच्छा और बनाऊँ। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस टेक्निकल सेफ्टी मैनेजमेंट स्टडी चैनल। थैंक यू वेरी मच।